फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष यूनिवर्सल मोटर लेकर आया हूं। यूनिवर्सल मोटर का कार्य सिद्धांत, इसका उपयोग के बारे में जाने देखिए। इसकी बनावट, यूनिवर्सल मोटर की बनावट डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर जो होता है यूनिवर्सल मोटर की बनावट उसी के समान होती है, और इसे एसी या डीसी करंट, एसी हो या डीसी, किसी भी सप्लाई से चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल जो मोटर जो है इसी एसी या डीसी, कोई भी सप्लाई हो वो कोई भी सप्लाई से इस मोटर को चलाया जा सकता है। लेकिन डीसी जो मोटर जो है वह सिर्फ डीसी सप्लाई से ही चलाया जाता है, और यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों स्रोत से चला सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल सीरीज मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है, और एसी सीरीज मोटर अलग भी होता है, खास एसी सीरीज मोटर। इसको एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर को, जो डीसी सीरीज मोटर है को एसी से चलाने के लिए, अगर उसको डीसी सीरीज मोटर को अगर हम एसी से चलाना चाहें तो उसमें निम्नलिखित सुधार करनी पड़ती है। किसी मोटर में कुछ और सुधार करनी पड़ती है। तो पहला है फील्ड तथा आर्मेचर कोर। ये फील्ड जो है और ये जो आर्मेचर कोर जो है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्ती से बनाया जाता है, जेडी पत्ती से नहीं, एक जेडी आती है, ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, आर्मेचर वाइंडिंग की टर्नों की संख्या, ये आर्मेचर में जो वाइंडिंग जो होती है इसकी टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट, आर्मेचर वाइंडिंग, जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसके सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग फील्ड में स्थापित किया जाता है। एक और इसमें एक वाइंडिंग होती है जो इसके आर्मेचर के सीरीज में होता है। इसी कार्य प्रणाली यूनिवर्सल मोटर उस सिद्धांत पर कार्य करती है जिस सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जिस सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है उसी सिद्धांत पर यूनिवर्सल मोटर भी कार्य करता है। इस मोटर को चाहे डीसी पर या एसी से चलाया जाए तो प्रत्येक दिशा में एक ही दिशा में वह कार्य करने वाला टॉर्क पैदा करता है। चाहे वह डीसी पर अगर चलाया जाए
या एसी से चलाया जाए यूनिवर्सल मोटर को, तो एक ही दिशा में वह टॉर्क उत्पन्न करता है। विशेषता, इस मोटर को शून्य लोड पर नहीं चलाना चाहिए। कहने के मतलब जो है कि बिना लोड दिए हुए इस मोटर को नहीं चलाना चाहिए, अगर क्योंकि बिना लोड के मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है, तो शून्य लोड पर इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उस स्थिति में यह मोटर टूट सकता है। इस मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर जो मसाला पीसने वाला जो होता है, जूसर जो होता है, वैक्यूम क्लीनर, हवा जो देने वाला जो होता है मशीन, वैक्यूम क्लीनर, संचालित ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन जो होती है, सिलाई मशीन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। यह यूनिवर्सल मोटर रेल इंजन में भी प्रयोग किया जाता है, ट्रेन में भी उसका इंजन जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 200 से 600 वोल्ट रेल इंजन के लिए कितना वोल्ट का चाहिए, 200 वोल्ट से 600 वोल्ट 25 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी, इस मोटर की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज बनाई जाती है ट्रेन के लिए। और जो है आपको मिक्सर ग्राइंडर वैक्यूम की सब लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बनाई जाती है, और ट्रेन के लिए 25 हर्ट्ज का बनाई जाती है। यह 2200 HP यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, ट्रेन में 2200 HP का प्रयोग किया जाता है ना। ये 2200 हॉर्स पावर मोटर का प्रयोग ट्रेन में किया जाता है। इसकी घूर्ण दिशा, घूरने की दिशा, मूवमेंट की दिशा आर्मेचर तथा स्टेटर के संयोजित की दिशा बदलकर परिवर्तित किया जाता है। ये आर्मेचर की दिशा को इसको हम बदल देंगे तो उसका घूर्ण बदल जाएगा, और इसके सिरिंज में बाहर रिहोस्टेट और स्पीड को कम बेसी करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप एक रिहोस्टेट लगाकर फील्ड वाइंडिंग में 3-4 टेपिंग देकर इसका निकालकर घूर्ण गति नियंत्रण किया जाता है। तो ये मोटर की जो बनावट जो है, देखें ये सीरीज मोटर डीसी जो है, डीसी सीरीज मोटर के ही प्ररूप है। ये थोड़ी सी अंतर इसमें है, इसमें कैपेसिटिंग वाइंडिंग जो एक लगाया हुआ है, तो जब कैपेसिटिंग वाइंडिंग लगाने से यह मोटर एसी और डीसी दोनों स्रोत पर यह कार्य करती है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।